اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم تر الى الذي حج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك إذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال انا احيي واميت. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. الحمد لله.

وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि अक्रमली वसल्लम की ज़िंदगी अगर हम देखें तो अल्लाह के नबी अपनी ज़िंदगी में यहूदियों की मुखालफत करते हैं अल्लाह ने क़ुरान मजीद में सूरत फातह में दो कौमों का तस्करा अलैहिम अल वीन उन लोगों की राह जो गुमराह हुए ईशा सलातो व सलाम की मोहब्बत में हु करते हुए इतना बढ़ाया इतना बढ़ाया ईसा सलाम को के अल्लाह के मकाम पर जा बिठाया अल्लाह के नबी अपने साहबा से कहते हैं लात तुरूनी कमात न सब न मर लात तो मुझको ऐसे न बढ़ाना जैसे ईसाइयों ने ईसा इब्ने मरियम को बढ़ाया बढ़ा बढ़ाकर अल्लाह के मकाम पर ना मिठाया फरमाया अन आमद हो वह रसूल मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ हमारी कौम ने भी वही रास्ता इख्तियार किया जो अहले किताब का था हमारे शायर मौलाना हाली कह गए नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं और ये हकीकत है कि जो सिफात अल्लाह ताला की थी वो सारी की सारी नबी में ला जमा की अल्लाह ने ईसाइयों को गुमराह कहा लेकिन दूसरे गुरु का जिक्र किया जिनसे मुराद यहूदी थे वो कौम अलमलूब अल जिन पर अल्लाह का वजब होगा अल्लाह ने इन पर इनाम किए और कुरान में बार बार अल्लाह फरमाता है ए बनी इसराइ याद करो मेरी उस नमत को याद करो मेरी उस नमत को याद करो मेरी उस नमत को लेकिन ये कौम थी ही इतनी बुरी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम इस शहर में दाखिल हो जाओ वकूलू हित तुम और कहो अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। ये शहर में दाखिल हुए क्या कहते हुए हिंत तुम हिंद तुम या अल्लाह रोटी या अल्लाह गंदम इनकी इन सरकशियों की वजह से अल्लाह ने इन पर अपना वजब नाजिन किया व जाराजीर इनको फिनजीरों और बंदरों की शक्लों में बदल दिया अल्लाह के नबी सला वसलाम भी इनकी मुखालफत करते रहे आप जब मदीने आए यहूदियों को देखा कि वो दस मुहर्रम को रोजा रख रहे हैं आपने पूछा किस चीज का रोजा रखते हो कहने लगे शुक्राने का रोजा कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी मूसा को फिर के जुल्म से किस दिन निजात दी फरमाया हम मऊसा सलाम के ज्यादा तरीब हैं एक तो वो मेरा भाई है अम्बिया सब भाई हैं और मुसलमान चूंकि सारे अंबिया पर ईमान लाते हैं लिहाजा हम ज्यादा हकदार हैं रोजा रखने के तुम सिर्फ दसवीं का रोजा रखते हो मैं नौवीं का भी रखूंगा इनकी मुखालफत में फरमाया अल्लाह के रवी ने यहूदी जूतियों में नमाज नहीं पढ़ते हैं तुम जूतियों में नमाज पढ़ा कर एक हदीस में आता है कि दो चीजों से इनको चिड़ होती है एक तो हम मुसलमान जो सलाम कहते हैं अल्लाह की रहमत हो असलकम व वक्त और दूसरी आमीन कि या हमने जो ये दुआ दौ, की है नमाज में इसको कबूल फरमा इनको बड़ा हसद होता अल्लाह के नबी का तरीका था कि यहूदियों की मुखालफत की जाए लेकिन शाबाश है उम्मत मोहम्मद पर आज उम्मत सारी की सारी अलिफ से लेकर ये तक ये नहीं कि अजम के लोग अरब के लोग भी ईसाइयों और यहूदियों की इरतवा करने लग गए जैसे उन्होंने अपनी औरतों को बेपर्द करके निकाला हम भी पेपर्द करके निकालते हैं उन्होंने नाच गाने को जायज करार दिया हमने भी करना उन्होंने शराब नोशी की हमने भी खुशी के मौके पर शराबें मेलनी शुरू कर दें और अल्लाह के नबी व सलाम ने इसके बारे में हमें बतला दिया फरमाया न तब उन सोना मन कबलकुम कं शिबरम बे शिवर इन अम बे इन तुम जरूर अपने से पहले गुजरे हुए लोगों की इतबा करोगे और वो इतबा ऐसी होगी जैसे एक बालिश दूसरे बालिश के बराबर होता है या एक हाथ बाजू दूसरे बाजू के बराबर होता है बिल्कुल इसी तरीके से तुम तो उनकी इतबा करो हत्ता लो सलकू उम और अगर तुमने अगर उनमें से किसी ने जब के सुराफ में दाखिल होने की कोशिश की तुम भी जरूर यही करो और एक हदीस में आया है अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर उनमें से कोई शख्स ने किसी शख्स ने अपनी माँ से अलानिया बदकारी की मेरी उम्मत में से ऐसे लोग होंगे जो अलानिया बदकारी करेंगे अपनी माँ से रसूल अल रसूलूत वन नसारा आप जो ये पेशन गोई कर रहे हैं कि हम इत्तिबा करेंगे मुसलमान यानी अपने से पहले वाले लोगों की उनसे मुराद आपकी कौन है यहूदी और ईसाई नबी वसल्लम फमन आपने फरमाया अगर ईसाई और यहूदी मुराद नहीं तो कौन सी कौम मुराद हूं एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तपोस्ता बे अफज कबलाबरम बे शिबर जेरा बे जेरा क्यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक के मेरी उम्मत के अफरान अपने से पहले लोगों की जो गुजर चुके हैं उनकी इतबा करने लग जाए गफार आप से बर आपने आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी आपकी मुराद क्या है क्या फारिस और रोम के लोग ईसाई और आतशप्रस्त फरमाया हां इकतीस दिसंबर गुजरा हर इस्लामी मुल्क में क्या हुआ अगर गाफों के टावरों पर आतिशबाजी की गई तो बुरजे खलीफा पर भी आतिशबाजी की गई हमारे बहरिया टाउन में भी आतिशबाजी बुर्ज पर की गई आतिशबाजी किसकी सुन्नत है कफारिस आतिश परस्तों की जो आग को पूजते हैं, ये उनकी सुन्नत है। सारी रात बारह बजे के बाद जो हंगामा बर्फा रहा मरीज सो न सके नींद करने वाले नींद ना कर सके लड़के और लड़कियां सड़कों पर बेहुदा लिबास पहनकर गाने ऊंची आवाज में लगाकर किसकी सुन्नत को हम ताजा कर रहे हैं अलहूद वन न सारा यहूदियों और ईसाइयों की क्या हमें अल्लाह के नबी की यह हदीस याद नहीं मन तशब् हम फौन फहन जो किसी कौम से मुशहबत करेगा उन्हीं में से उठाया जाएगा हमारी शक्लें देखें यहूदियों और ईसाइयों जैसे हमारी माशरत लीछे यहूदियों और ईसाइयों जैसे ये बेफरदगी कौन कर रहा है मुसलमान औरत गाने कौन गा रहा है मुसलमान औरत और बादशाह इनका साथ देते हैं चाहे वो हमारे मुल्क के बादशाह हैं या अरब ममालिक बादशाह हों उनका साम दे दें अल्लाह के नबी को अल्लाह ने क्या फरमाया था ऐ नबी कह दे, हाज़ा मुस्तकीमन, ये है मेरा रास्ता सरात मुस्तकीम फत हो इसी रास्ते पर चलो वला तब उस मेरा रास्ता छोड़कर किसी और रास्ते पर न चल पड़ना फतः फर रे को सबीले ये रास्ता तुम्हें अल्लाह के रास्ते ये रास्ते तुम्हें अल्लाह के रास्ते से दूर कर देंगे तुम जन्नत से दूर हो जाओगे जहन्नम तुम्हारा ठिकाना बन जाएगा। इस्लाम दीन है जो मुझे मीषत भी मुआशरत भी सियासत भी हर चीज देता है मेरी हिदायत के लिए अल्लाह ने अपना आखिरी नबी भेज दिया और कहा इसकी बात लानो इसके पीछे चलो फरमाया अल्लाह ने, फरमायाल्ला शरीय ऐ अल्लाह के नबी हमने तेरी शरीयत मुकर्र कर दी है तेरा रास्ता मुकर्र कर दिया है फत तूने इसी शरीयत पर चलना है वला सतवा तूने उन लोगों की ख्वाहिश परस्ती के पीछे नहीं चलना जिन्हें किसी चीज का इल्म नहीं अल्लाह ने अपने नबी के लिए शरीयत मुकर्र की नबी ने अपनी उम्मत को बतला दिया कि ये है मेरी ये है मेरा रास्ता सिरात मुस्तकीम और हमने उस रास्ते को छोड़कर यहूदियों और ईसाइयों की इतबा शुरू कर दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाल वसल्लम जिस चीज से अपनी उम्मत को डराते रहे आपकी बात पूरी होकर रहने वाली है जब आपने कह दिया कि तुम इतबा करोगे यहूदियों और ईसाइयों की ये बात पूरी होकर रहेगी चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए हमने कैसी इतबा की यही नहीं कि सिर्फ हमने उनकी माशरत ले ली औरतों की आजादी ले ली औरतों को खुद मुख्तार बना दिया औरतों के हाथ में स्टेरिंग दे दिया कि जहां मर्जी चाहो गाड़ी चलाकर चली जाओ औरतों को ऐसी खुली आजादी दी ना बाप पूछता है न भाई रात को बारह बजे कहां से आ रही हो हमने उनकी माशरत को अपनाया और सिर्फ ये नहीं कि माशरत को अपनाया हमने उनके अतीदे को भी अपना लिया ईसा अलतम के बारे में ईसाई कहते हैं कि दोबारा आएंगे मुसलमान भी कहते हैं दोबारा आएंगे ईसाई कहने लगे मुसलमानों तुम्हारा नबी तो फिर पीछे हो गया ना हमारा नबी दोबारा आएगा मुसलमान कहने लगे तुम्हारा नबी दोबारा आएगा हमारा नबी गया ही नहीं फौथी नहीं हुआ वो हर वक्त हाजिर नाजिल ईसाई कहने लगे हमारा नबी मुर्दों को जिंदा करता है मुसलमानों ने जवाब दिया तुम्हारा नबी मुर्दों को जिंदा करता है हमारे नबी के गुलाम भी मुर्दों को जिंदा करते पीर अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में मशहूर कर दिया हो एक मुर्दा आ गया अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कौम बे इजनला अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा दूसरी मरतबा कहा कौम बे इजनला मुर्दे में हरकत नहीं हुई तीसरी मरतबा कहा कौम बेज नी मेरे हुक्म से खड़ा हो जा मुर्दा उठकर खड़ा हो गया कहा देखा तुम्हारा नबी मुर्दों को जिंदा करता है हमारे नबी का गुलाम मुर्दों को जिंदा कर देता नबी की तो शाम बहुत ईसाइयों ने कहा कि हमारा नबी अल्लाह का बेटा मुसलमानों ने जवाब में क्या कहा अगर तुम्हारा नबी अल्लाह का बेटा है हमारा नबी नूर मिन नूर अल्लाह के नूर में से नूर है अल्लाह के जिसम का हिस्सा देखें कैसे मुमासलत हमने अकीदे में पहले किताब के साथ कायम कर दी और ये नबी के साथ मोहब्बत नहीं दुश्मनी है ईसाइयों ने जो ईसा सलाम को अल्लाह का बेटा और मरियम को अल्लाह की बीवी कहा यह कोई उनसे मोहब्बत थी उनसे दुश्मनी थी इसका नतीजा क्या निकला क्यामत के दिन अल्लाह ईसा को भी और उनकी वालदा मरियम को भी कटहरे में खड़ा कर देगा क्या कहेगा अल्लाह सब न मरियम अल्लाह कहेगा है ईसा बिन मरियम आहंता फुलता ला सि बरा है क्या तूने ये कहा था कि मुझे और मेरी मां को अल्लाह के अलावा माबूद बना लेना ईसाइयों ने खड़ा करवा दिया ना ईसा को उसकी वानता को मुज़म्मों के फेहरे में अल्लाह पूछ कुछ कर रहा है क्या तूने कहा था कि मुझे और मेरी वालदा को इलाह बना लेना अल्लाह को छोड़कर ताला सुबहानक ईसा अपना उजर पेश कर रहे हैं सफाइयां दे रहे हैं सुबहानक एल्ला तू पाक है औलाद से पाक है बीवी से पाप है सुभानक या अल्लाह तू पास है मा य अल्लाह में वो बात कैसे कह सकता हूं जिसका मुझे हक नहीं क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे इलाह बना लेना मेरी माँ को इलाह बना ले मुझे हक है इस बात को इन पुल तो फुल तो हो फकद आलिम अगर मैंने अपनी जिंदगी में ये बात कही तो तुझे खूब इसका इलम है कि मैंने ये कही या नहीं कही मैंने लोगों को यह दावत दी या नहीं तालम माफी नफ्सी वाला आलम माफी नफसिक तू जानता है जो मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में इन का अंत अल्लाहयूब तू सारी चीजों से वाकिफ अल्लाहुल छुयूब है पर्दों से जितना भी पर्दे दुनिया के लिहाज से होते हैं तू उनको पूर्व जानने वाला है पोशीदा तो चीजों को गैब की खबरों को तू जानता है जो मेरे दिल में है मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में दिल की बातों को नबी नहीं जानते हम क्या कहते हैं हमारा नबी अल्लामूब है गैब की बातों को जानने वाला है जो दिल में आया है वो दिल के राजों से वाकिफ है वो तो वो है उसका जो आम उम्मती हमारा पीर है वो भी दिल के राजों से वाकिफ है जो दिल में बसवसा आता है वो उस से वर हो जाता और उसको नसीहत करता बुजुर्गों की महफिलों में दिल को वसवसों से पाक करके हाजिर हुआ करो मुरीद हाजिर हुआ दिल में ख्याल आया कि अगर आज मुझे गरम-गरम हलवा मिल जाए तो बड़ा मजा आए अभी उसके दिल में ख्याल आया था। पीर ने हुक्म दिया किसी और मुरीद को वो गरम-गरम हलवा ले आया और मुरीद को इशारा करके कहने लगा खा मुरीद कहता है, देखो मेरा पीर कितना रोशन जमीर है उसको पता लग गया मेरे दिल में क्या बस बस आया और ईसा सलाम क्या कहते हैं जो तेरे दिल में है मैं नहीं जानता जो मेरे दिल में है तू जानता नबी दिल के वसवसों और ख्याल को नहीं जानते हम मुसलमान अकीदा रखते हैं नबी तो नबी नबी के गुलाम भी जानते माँ तो लो अल्ला मा अमर आने रबी वरम बकुमला मैंने तो उनको यही हुक्म दिया था जो तूने मुझको हुक्म दिया था अनुदुल्लाह मैंने उनको कहा था अल्लाह की इबादत करो रब्बी व बकुम जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब वह कुंत तो अरे अल्लाह मा गुली हिम और मैं अपनी उम्मत की बातों पर गवाह रहा मा गुली जब तक मैं जिंदा रहा फलमा ते कुर रफी बारे हिम और जब तूने मुझे आसमानों पर बुला लिया कुंत अंतर रहे तू फिर उनका निगरान बन गया मैं उठाए जाने के बाद नहीं जानता कि ईसाइयों ने मेरे बाप किस अकीदे को फैलाया ला तू जानता है इससे क्या बात साबित हुई ईसा ले सलाम जिंदा होने के बावजूद कि वो आसमान पर है नहीं जानते कि ईसाइयों ने क्या किया और हम मुसलमान क्या कहते हैं हमारा नबी सब जानता है मदीने की कब्र में क्या हो रहा है बाहर उम्मत के साथ हमारे मौलवी फरियादें लेकर मदीने जाते हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर नंगे पाओ जुराबे पहनकर बगैर जूतियों के वदीले की गलियों में फिरता है तोहीन हो जाएगी हमारे उलमा यहां से फरियाद भेजते हैं या वहां जाकर हाजिरी देते हैं और अल्लाह के नबी को दुखड़े सुनाते हैं और कहते हैं हाथ बाहर निकालिए मैं चूम लू आपके हाथ को अल्लाह के नबी हाथ निकालते हैं नवे हजार का मजमा नबी के हाथ की जियारत करता है उसमें अब्दुल जी ने भी शामिल ईसार फैला रहे हैं लेकिन हमने ले ईसाइयों से सबकत ले जाकर यह बात कह दी हमारे नबी को उम्मत का सारा पता है सारे हालात से वाकिफ है नबी पर जाकर अर्ज़ें पेश करते हैं या रसूल हमें इन अजाब से निजात दे दें जुल्म हो रहा है हमारे जुल्म में हमारा साथ दे दें हमने ऐसा अकीदा अपनाया जो गुमा लोगों का हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर खड़े होंगे साहबा पूछते हैं अल्लाह के नबी सारी दुनिया जमा होगी मैदान मशर में आप अपनी उम्मत को कैसे पहचान लेंगे फरमाया मेरी उम्मत के हाथ और पाओ वज़ू की वजह से चमकते हों जो वजू ही नहीं करते नमाज ही नहीं पढ़ते उनको कैसे पहचानेंगे अल्लाह के नबी जिनका काम ही ईद की नमाज पढ़ना या कभी जुमे की पढ़ लेना उसको कैसे पहचानेंगे अल्लाह के नबी? एक गुरु आएगा जिनके हाथ और पांव चमकते होंगे फरिश्ते उनको दूर हटाएंगे अल्लाह के नबी से अल्लाह के नबी फरिश्तों से कहेंगे मेरे उम्मती हाथ और पांव चमक रहे हैं इनको आने क्यों नहीं देते फरिश्ते क्या कहेंगे बालक अल्लाह के नबी आपको कोई पता नहीं मा बादक आपके बाद इन लोगों ने दीन में क्या क्या बातें ईजाद कर ली आपके जमाने में आतिश परस्ती होती थी खुशी के मौके पर चरागा होता था अल्लाह के नबी ईद मिलाद हुआ करती थी अल्लाह के नबी आपके जमाने में कुल साता चालीसवा उर्स बरसी छोटी ग्यारहवीं बड़ी ग्यारहवीं कूडे हुआ करते थे इन न खला तदरीमा अफदसूब आपको पता ही रही इस उम्मत ने आपके बाद आपके दीन को कैसे बदल दिया था अल्लाह से नबी कहते हैं मैं फिर वही कहूंगा जो अल्लाह के बंदे ईसा सलातम ने कहा था क्या कहा था वकुन तो हिम शहीदम मादुल तुफी हिम जब तक मैं जिंदा रहा मैं इन पर निगरान रहा मुझको पता है ये क्या करते रहे और जब तूने मुझको फौत कर लिया तो उनका निगरान बन गया कन, कन ले मन गंजर आबानी आप फरमाएंगे दूर हो जाए दूर हो जाए वो इंसान जिसने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दी। हमने इस्लाम के अकीदे बदल दिए हमने इस्लाम की सुन्नतें बदल दी तौर तरीके बदल दिए हमने उसकी मईशत और माशरत बदल कर रख दी हमारे नजदीक इस्लाम क्या है यहूदियों और ईसाइयों और हिंदुओं की आतश परस्तों की इतबा हमारे नजदीक इस्लाम शादी के मौके पर देख लेना किसी के मरने के मौके पर देख लेना खुशी के मौके पर शादियों के मौके पर गमियों के मौके पर हम किसकी इंतबा करते हैं या हिंदुओं की या ईसाइयों की या यहूदियों की या आतश परस्तों की अल्लाह के रसूल और साहबा की इतबा तोबा तोबा छोड़िए तकियानुसी नाम लेते हैं आप पुराने जमाने के लोग देखो ना नया जमाना नया कल्चर देखो ये है निवास पहनने वाला अल्लाह में महफूज रखे